तो हेलो गाइज, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब बेल को दबाकर बेल आइकन को ऑन कर लेना। तो वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो गाइज सबसे पहले आपको क्या करना, अपने पिक्सल ऐप को ओपन कर लेना। उसके बाद यहाँ से आगे करके ये वाला अपने जो इससे यहाँ से डिलीट कर देना। उसके बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ से अपनी जो इमेज जो होगी वो यहाँ से अपने निकाल लेनी है। जो मैंने इमेज बनाई है वो मैं आपको बता दूँगा कि मैंने कैसे बनाई है। मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना कि मैं आपको चाहिए, तो मैं आपको बनाना सिखा दूँगा कि मैंने इस इमेज को कहाँ से बनाया है, अपनी ये वाली फ़ोटो को। तो उसके बाद करना आपको गाइस यहाँ से इसको क्रूप कर लेना। क्रूप गाइस अच्छी तरह से करना ताकि आपको पता चल जाए कि बैकग्राउंड नहीं दिख रहा है। तो यहाँ से आपको अच्छी तरह से क्रूप करने के बाद इसे यहाँ से नीचे टिक वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना। यहाँ से क्लिक करके इसको सेव कर लेना। तो इसका साइज़ जो आप बड़ा कर सकते हो जितना आपको चाहिए। आपको जितनी डीपी आपकी साइज़ चाहिए वो यहाँ से अपना सेट कर सकते हैं। उसके बाद ये इतना साइज़ अगर आपने रखना है, बैकग्राउंड वाइट रखना है, तो यहाँ से भी आप इतना करने के बाद सेव भी कर सकते हो। ऊपर फ्लोपी का ऑप्शन मिल जाता है आपको, वहाँ से आकर आपने सेव कर देना इसको। सेव करने से पहले यहाँ पे आपको जहाँ पे ये पिक के ऊपर क्लिक किया हुआ है इसको क्लिक करने से हटा देना, ऊपर यहाँ पे सेव कर देना। उसके बाद जो इसके ऊपर बैकग्राउंड पे वाइट कलर देना है वो आपको बता देता हूँ यहाँ पे कैसे कलर देना है आपको। यहाँ से आप सेव कर सकते हो। उसके बाद आपको जो बैकग्राउंड पे वाइट देना है यहाँ पे क्लिक कर देना। उसके बाद यहाँ पे कलर पे क्लिक करके अपना बैकग्राउंड जो है वाइट ब्लैक कर दें। ये बैकग्राउंड जो वाइट हो ब्लैक हो गया। उसके बाद यहाँ पे क्रूप पे क्लिक कर देना आपने फिर से दोबारा। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद ही क्रूप पे क्लिक करना है गाइस। अपनी फ़ोटो के ऊपर क्लिक करने के बाद क्रूप पे क्लिक कर देना। उसके बाद यहाँ से गोल वाले ऑप्शन पे क्लिक करके उसके बाद यहाँ से अपने जो इसका बैकग्राउंड में जो हल्का फुल्का दिखाई दे रहा वाइट कलर वो आपने क्रूप करके अच्छे से सेट कर लेना है। तो यहाँ से आप क्लिक करके दोबारा चेक भी कर सकते हो। तो ये देखिए मेरा जो कलर है ब्लैक हो गया। उसके बाद यहाँ से फिर से अच्छे से कर लेना। अगर आपको दिखता है कि वाइट कलर नज़र आ रहा है तो यहाँ से आप सेट कर सकते हो अच्छे से। तो ये तो आपका हो गया डीपी जो जिसमें आपका ब्लैक कलर सेट हो जाएगा, और यहाँ से आप इसे कर सकते हो सेव। तो ये तो आपका हो गया यूट्यूब प्रोफाइल के लिए, जैसे मैंने अपने डीपी और प्रोफाइल में लगाया हुआ। मैंने अपनी डीपी और प्रोफाइल ऐसे बनाई थी, यहाँ से आप इसे कल सेव कर सकते हो गाइस। उसके बाद आपको जो वीडियो के सेंटर में आता है पीएनजी फाइल होती है उसको आपने यहाँ से बना लेना है। सिंपल है गाइस, कुछ करने की जरूरत नहीं है, ट्रांसपेरेंट हो जाता है ये। इसके यहाँ पे क्लिक कर दोगे तो जो आपका जो बैकग्राउंड और ब्लैक कलर का वो हट जाएगा और आपकी जो वाटर मार्क्स लोगो वो बन जाएगा। यहाँ देखिए पीएनजी फाइल आपकी रेडी हो गई। तो गाइस वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर देना। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए आप अपना अपने माँ बाप का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।